हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी है जथूरा और स्पेस एडवेंचर। ये जुमांजी सीरीज का ही एक पार्ट है, लेकिन इसकी स्टोरी स्पेस पर बेस्ड है। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी के शुरू में हम दो भाइयों को देखते हैं, जिनके नाम है वोल्टर और डैनी। पता चलता है कि दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती और ये हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं। वोल्टर तो यहाँ तक विश करता है कि काश उसका कोई छोटा भाई होता ही नहीं। यही हम उनके पिता को देखते हैं, जो एक आर्ट डिजाइनर है। समझ आता है कि इनके पेरेंट्स अलग हो चुके हैं और वो दोनों अपनी बहन लीजा के साथ कुछ दिन यहाँ रुकने आए हैं। उनके डैड बहुत कोशिश करते हैं कि उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाए, लेकिन वो उनकी कोई बात नहीं मानते। एक दिन उनके डैड को काम से कहीं बाहर जाना पड़ता है और वो लीजा को उन दोनों का ध्यान रखने को कहते हैं। लीजा जो अपने में ही मस्त रहती है, वो भी उन दोनों से ज्यादा लगाव नहीं रखती। डैड के जाने के बाद एक बार फिर वोल्टर और डैनी में लड़ाई हो जाती है और वोल्टर उसे बेसमेंट के एक शाफ्ट में बंद कर देता है। डैनी शाफ्ट से निकलकर बेसमेंट में आता है और देखता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा हीटर लगा हुआ है। तभी कुछ आवाज सुनकर वो डर जाता है और वहाँ से बाहर भागता है। निकलते वक्त सीढ़ियों पर उसे एक जथूरा नाम की गेम दिखती है और वो उसे लेकर वोल्टर के पास आता है। डैनी उसे अपने साथ खेलने को बोलता है, लेकिन वोल्टर मना कर देता है। डैनी खुद ही वो गेम खेलता है और एक बटन दबाने पर उसमें से एक कार्ड निकलता है। कार्ड पर लिखा है कि तारे टूटने वाले हैं और उन्हें बचना होगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, वहाँ तारे टूटने लगते हैं और पूरे कमरे को तहस नहस कर देते हैं। वो दोनों भागकर एक चिमनी में छुप जाते हैं और तभी एक बड़ा तारा वहाँ आकर गिरता है। वो लोग नोटिस करते हैं कि सारी तबाही सिर्फ उनके लिविंग रूम में ही हुई है और बाकी का घर एकदम सेफ है। वो तारों से बने एक होल से आसमान को देखते हैं, जो काफी पास नजर आ रहा है, लेकिन दरवाजा खोलने पर उन्हें पता चलता है कि वो लोग स्पेस में आ गए हैं। एक वाइड शॉट में हमें पूरा घर स्पेस में तैरता हुआ दिखता है। वो दोनों भागकर लीजा के पास जाते हैं और उसे बाहर का सीन दिखाते हैं, लेकिन लीजा को लगता है कि रात हो गई है और वो उनकी पूरी बात सुने बिना वहाँ से जाने लगती है। वो दोनों उससे रिक्वेस्ट करते हैं और वो गेम खेल कर दिखाते हैं। वोल्टर के बारे में उसे शिप का कैप्टन बना दिया जाता है और लीजा इसे नॉर्मल गेम समझकर बाथरूम में चली जाती है। आगे डैनी अपनी बारी चलता है और गेम से निकला कार्ड बताता है कि उनका एक साथी 5 बारियों तक गहरी नींद में सो जाएगा। पता चलता है कि वो साथी लीजा है, जो बर्फ के जैसी जम गई है। वो गेम्स के रूल पढ़ते हैं और पता चलता है कि सब कुछ ठीक करने के लिए उन्हें गेम को खत्म करना होगा। वोल्टर की अगली बारी में उसे छोटा सा रोबोट मिलता है, जो देखते ही देखते बहुत बड़ा हो जाता है। वो वोल्टर को मारने की कोशिश करता है। तभी डैनी अपनी चाल चलता है और वो लोग एक बड़े प्लेनेट के पास से गुजरते हैं। प्लेनेट की ग्रेविटी से सभी चीजें उसकी ओर खींचने लगती हैं और इसी हड़बड़ी में वो रोबोट फिसल कर बेसमेंट में चला जाता है। वो देखते हैं कि लीजा भी बाथरूम से फिसल कर बाहर आ गई है, लेकिन वो उसे वापस वहीं पहुंचा देते हैं। वोल्टर की अगली चाल चलने से कुछ नहीं होता और बस उसे एक प्रमोशन मिलता है। आगे डैनी वो गेम खेलने से मना करता है, लेकिन वोल्टर के समझाने पर अपनी चाल चलता है। इस बार वहाँ एक एलियंस का शिप आकर उनके घर पर हमला करता है, जिसमें वोल्टर की साइकिल उड़कर बाहर चली जाती है। वो किसी तरह बचते हैं और वोल्टर अपनी अगली चाल चलता है। उसे एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा है रीप्रोग्राम, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो डैनी को उसकी अगली चाल चलने को कहता है। डैनी के कार्ड पे एक एस्ट्रोनॉट को बचाने के बारे में लिखा था और तभी वहाँ एक असली एस्ट्रोनॉट आ जाता है। वो बताता है कि ये एलियंस असल में जोरगेंस हैं, जो बड़ी बड़ी छिपकलियों जैसे हैं। ये गर्मी और रोशनी से अट्रैक्ट होते हैं और इन्हें जो भी चीज मिलती है ये उसे जला डालते हैं। वो घर की सब लाइट्स बंद करने को बोलता है। वो वोल्टर को बेसमेंट में रखा हीटर पूरी तरह बंद करने को बोलता है, लेकिन रोबोट के डर के कारण वो उसे बस धीमा कर देता है। आगे वो एस्ट्रोनॉट एक सोफे में आग लगाकर उन जोरगेंस को वहाँ से दूर भेज देता है। वो वहाँ फ्रिज में रखा सारा खाना खाने लगता है और बताता है कि वो 15 सालों से भूखा है। वोल्टर उसे वहाँ से भगाना चाहता है, लेकिन डैनी उसे अपने साथ रुकने को बोलता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनकी मदद कर सके। अगली चाल चलने से पहले वोल्टर डैनी पर चीटिंग का इल्जाम लगाता है और उसके शिप को पकड़ कर पीछे कर देता है। जैसे ही वो अपनी चाल चलता है, गेम को लगता है कि चीटिंग वोल्टर ने ही की है और वो उसे घर से बाहर फेंक देती है, लेकिन वो एस्ट्रोनॉट उसे बचाकर वापस घर में ले आता है। डैनी की अगली चाल से लीजा वापस ठीक हो जाती है और वो हीटर को दोबारा तेज कर देती है। इधर वोल्टर को अपनी चाल से एक गोल्डन कार्ड मिलता है, जिसमें लिखा है एक टूटे तारे को देखकर वो कोई भी विश मांग सकता है। यहाँ एक बार फिर वोल्टर और डैनी की लड़ाई हो जाती है और एस्ट्रोनॉट ये देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि अपनी विश के थ्रू वो डैनी को नुकसान पहुँचाएगा और वो उसे समझाता है कि जो तुम्हारे दिल में चल रहा है
वो बिल्कुल मत मांगना। वोल्टर विश मांगता है और एस्ट्रोनॉट भागकर डैनी के रूम में जाता है जहां उसे कोई नहीं दिखता। तभी वहां वोल्टर एक फुटबॉल के साथ आता है और बताता है कि यही उसकी विश थी। आगे एस्ट्रोनॉट उन्हें अपने बारे में बताता है कि कैसे 15 साल पहले वो भी अपने भाई के साथ यही गेम खेल रहा था और वो भी उनकी तरह ही लड़ते थे, लेकिन जब उसकी विश मांगने की बारी आई तो उसने मांगा कि काश मेरा भाई कभी पैदा ही ना होता। इस वजह से उसका भाई गायब हो गया और वो हमेशा के लिए यहीं फंस गया। आगे वो उन्हें जल्दी से गेम को खत्म करने को कहता है। तभी लीजा के चलाए हीटर की गर्मी से जॉर्गेंस वहां आ जाते हैं और वहां हमला करके उस गेम को अपने साथ ले जाते हैं। ये लोग घर में आग लगाना शुरू करते हैं ताकि जॉर्गेंस को दोबारा अट्रैक्ट कर सके। गर्मी से अट्रैक्ट होकर जॉर्गेंस वहां आते हैं और उनके घर में घुसने की तैयारी करते हैं। तभी लीजा भी वहां आती है और यह सब देखकर डर जाती है। वो भागकर छुपने के लिए बेसमेंट में जाती है, लेकिन वहां बंद रोबोट को देखकर वापस ऊपर आ जाती है। वो लोग प्लान बनाते हैं कि किसी तरह उनको ये गेम वापस लानी होगी और वो डैनी को शाफ्ट से नीचे बेसमेंट में भेजते हैं ताकि वो उस गेम को वापस ला सके। लेकिन ऊपर से आती आवाजें सुनकर एक जॉर्गेन उनके पास आ जाता है। इधर डैनी उनसे बचता हुआ उनके शिप में आ जाता है जहां उसे वो गेम दिखती है। वहां उससे वो गेम गलती से एक बेल्ट पर गिर जाती है जो सीधा एक भट्टी में जा रही है। डैनी को वहां कुछ एलियन भेड़े दिखती हैं और वो उन्हें खोल देता है। एक जॉर्गेन जो उस गेम को जलाने ही वाला था ये देखकर भेड़ों के पीछे जाता है और डैनी उस गेम को वापस उठा लेता है, लेकिन लौटते वक्त एक अजीब से लिक्विड से उसके पैरों के निशान बन जाते हैं। वो शाफ्ट में आता है और खुद को ऊपर खींचने को कहता है, लेकिन ऊपर मौजूद एक जॉर्गेन उसकी रस्सी काट देता है। डैनी के पैरों के निशान देखकर वहां जॉर्गेन उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वोल्टर एंड टाइम पर उसे बचा लेता है। बेसमेंट से निकलते वक्त कुछ जॉर्गेन उनके सामने आ जाते हैं और तभी वो रोबोट भी बेसमेंट से आजाद हो जाता है। वो वोल्टर को पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसे वो रीप्रोग्राम कार्ड याद आता है और वो उसे दिखाते ही रोबोट उन जॉर्गेन्स के पीछे पड़ जाता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जॉर्गेन रोबोट से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन वो उनके पीछे जाकर उनका एक शिप नष्ट कर देता है। वोल्टर और डैनी ये देख ही रहे होते हैं कि तभी एक बचा हुआ जॉर्गेन वहां आ जाता है, लेकिन लीजा आकर उन्हें बचा लेती है। वो लोग जल्दी से उस गेम को खत्म करने आते हैं जहां वोल्टर के एक चाल से उसे फिर एक विश मिलती है। वो विश में एस्ट्रोनॉट के गायब हुए भाई को मांगता है, लेकिन देखता है कि वहां पर एक और डैनी खड़ा हुआ है, तो यहां समझ आता है कि ये एस्ट्रोनॉट असल में वोल्टर ही है जो ये गेम पहले खेल चुका था, इसलिए पहली बार विश मांगने पर उसने वोल्टर को सावधान भी किया था। आगे एस्ट्रोनॉट और उसका भाई डैनी रियल लाइफ वाले वोल्टर और डैनी में समा जाते हैं। तभी वहां दोबारा जॉर्गेंस के काफी सारे शिप उनके घर पर हमला कर देते हैं। आखिर में गेम जीतने के लिए उन्हें 10 पॉइंट की जरूरत है और डैनी के चलने पर उन्हें सिर्फ 1 पॉइंट मिलता है, लेकिन तभी गेम से निकला कार्ड उसे 9 घर आगे चलने को कहता है और इस तरह वो गेम जीत जाते हैं। गेम खत्म होते ही बाहर एक बड़ा सा ब्लैक होल आ जाता है और पता चलता है कि यही असल में जथूरा है। जथूरा उनके साथ साथ वहां आए जॉर्गेंस को भी निगल जाता है और यह सब लोग वापस अपने घर में आ जाते हैं। तभी उनके पिता घर आते हैं और हैरान होते हैं कि वो दोनों भाई साथ साथ खेल रहे हैं, तो इस गेम के बाद उन दोनों में सारी दूरियां खत्म हो चुकी हैं। आगे वो तीनों किसी को भी इस गेम के बारे में ना बताने का वादा करते हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि वो लोग अपनी मॉम के साथ वापस जा रहे हैं और तभी वोल्टर की साइकिल जो स्पेस में खो गई थी धरती पर वापस गिरती है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी मूवीज के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।